दोस्तों, मेरे बहुत सारे पेशेंट्स का यह कॉमन क्वेश्चंस होता है कि हार्ट अटैक से बचने के लिए डाइट में क्या लेना चाहिए, या फिर रूटीन डाइट में क्या मॉडिफाई करने की जरूरत है जिससे हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वीरेन जेठवा। आई एम ए कंसल्टेंट फिजिशियन एंड इंटेंसिविस्ट एट वडोदरा। दोस्तों, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, ऐसे ऐसे हार्ट की रक्तवाहिनी, जिसको हम कोरोनरीज भी बोलते हैं, उसमें चर्बी जमा होने लगती है, जिसके कारण नली अंदर से पतली होती जाती है, जो आगे जाकर खून जमने से ब्लॉक होती है, जिसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। दोस्तों, अगर हम हार्ट अटैक कैसे आता है या हार्ट की नलियों में ब्लॉकेज कैसे स्टार्ट होता है उसकी बात करें, तो ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि हार्ट में नलियों में छोटी छोटी ब्लॉकेज होना 10 साल के बच्चे से ही स्टार्ट हो जाता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है यह ब्लॉकेज धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो हम इससे बिल्कुल तो रोक तो नहीं सकते, लेकिन हम इसकी प्रोग्रेस को, इसकी गति को स्लो डाउन जरूर कर सकते हैं। दोस्तों, हार्ट अटैक एक लाइफस्टाइल डिजीज है, और लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव लाकर, उसे मॉडिफाई कर हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम डाइट में सही तरह से बदलाव लाए, डेली कुछ एक्सरसाइज करें और अपना स्ट्रेस कम करें, तो हम हार्ट अटैक आने के चांसेस को बिल्कुल कम कर सकते हैं। डाइट की अगर बात करें तो एक बैलेंस्ड डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड। जो आप इनपुट देंगे ऐसे ही आपकी बॉडी बनेगी। डाइट में फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके साथ में लो सोल्ट या कम नमक बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक्चुअली हमारी रूटीन डाइट में नमक डालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हर नेचुरल चीज में सॉल्ट मौजूद है। अगर आप सब्जी खाते हैं तो उसमें भी सॉल्ट है, अगर आप फ्रूट्स खाते हैं तो उसमें भी सॉल्ट है, अगर कोई मीट ईटर है तो उसमें भी इनफ सॉल्ट होता है। नेचर हैज पुट इनफ सॉल्ट इन ऑल फूड्स, सो डाइट में आपको ऊपर से एक्स्ट्रा नमक डालने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात आती है कि वो है शुगर, शक्कर या खांड। जब भी शुगर की बात आती है, तब लोगों में के मन में यह भ्रांति होती है कि जिसको डायबिटीज है उसको ही शुगर कम लेना है। हार्ट के लिए शुगर का कोई लेना देना नहीं है, और हार्ट डिजीज में शुगर हम जितना चाहिए खा सकते हैं। लेकिन बिलीव मी, शुगर इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी फॉर हार्ट डिजीज। दोस्तों, जो भी एक्स्ट्रा कैलोरी हम शुगर के थ्रू लेते हैं, वह सब लीवर में जाके कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाती है। हमारे शरीर में जो कैलोरीज मिलती है वो मेनली शुगर और ऑयल में से मिलती है, और जो कैलोरीज एक्स्ट्रा है, जिसको हम खर्च नहीं कर पा रहे हैं, वह लीवर में जाकर कोलेस्ट्रॉल बना देती है, जो कि एक प्रकार की चर्बी है। इवन इन नॉर्मल पर्सन, जिसको डायबिटीज नहीं है, वह अगर शुगर लेता है तो उसको भी डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ते हैं, और साथ में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड जैसी चर्बी भी बढ़ती है, जो कि हार्ट डिजीज होने की संभावना बढ़ाती है। तो अपने डाइट में शुगर बंद करिए, या जितनी हो सके कम करिए। जब शुगर की बात करते हैं, तब यह क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है कि शुगर तो बंद कर देते, लेकिन उसके बदले हम गुड़ खा सकते हैं। तो दोस्तों, गुड़ भी शुगर का ही एक रूप है, और डेफिनेटली इसमें कुछ मिनरल्स है, जिसके कारण शुगर से थोड़ा बहुत अच्छा है, लेकिन अल्टीमेटली वह भी एक्स्ट्रा कैलोरीज शुगर की ही तरह देती है, शरीर में डालती है, और अल्टीमेटली कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। तो इसका उपयोग बंद करना चाहिए या कम खाना चाहिए, इसके बदले कुछ शुगर फ्री टेबलेट्स ले सकते हो। इसके बाद जो आता है वह है ऑयल। ऐसा कह सकते हैं कि अगर आप शुगर बिल्कुल ही बंद कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑयल आप कंप्लीटली बंद नहीं कर सकते, क्योंकि ऑयल हैज सम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल फैटी एसिड्स, कुछ एमिनो एसिड्स, विटामिन्स, जो कि हमारे शरीर के लिए जरूरी है, वह हम ऑयल से ही मिलते हैं। सो सम लिटिल अमाउंट ऑफ ऑयल इज रिक्वायर्ड फॉर अवर बॉडी। तो ऑयल में क्या लेना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑयल में सनफ्लावर ऑयल, ओलिव ऑयल, कैनोला ऑयल, सिंग तेल, फ्लेक्सीड ऑयल वगैरह ले सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, क्योंकि जरूरत से ज्यादा अगर ऑयल लेते हैं तो वह भी बॉडी में लीवर के द्वारा कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है, और यही कोलेस्ट्रॉल हमारी आर्टरीज में जमने लगती है, और अल्टीमेटली हार्ट डिजीज को न्योता देती है। इसमें यह बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप तली हुई चीजें खाते हैं तो एक ही तेल में बार बार गर्म करके आप अगर आप तली हुई चीज खाते हैं तो इससे ट्रांसफेट बढ़ती है, तो जो कि ज्यादा हार्मफुल है, तो दैट शुड बी अवॉइडेड। अब बात करते हैं कि क्या खाना है जिसके कारण हार्ट ब्लॉकेज या हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाता है। क्या खाए, उसमें हाई फाइबर डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेन्स एंड पल्सेस हैव गुड कंपोनेंट्स ऑफ फाइबर्स,
ग्रेन्स में गेहूं के अलावा अलग अलग प्रकार के ग्रेन्स जैसे कि बाजरी जौ वगैरह भी ले सकते हैं, और साथ में अलग अलग प्रकार की दाल भी ले सकते हैं। अगर हाई फाइबर डाइट की बात करें तो हम ग्रेन्स को कैसे यूज करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि गेहूं को अगर मोटा मोटा पीसा जाए, जैसे कि हम ओल्ड टाइम में पीसते थे, तो उसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा रहती है और वो एक हेल्दी डाइट है। लेकिन वही गेहूं गेहूं को पीस पीस के मैदा बना दे तो उसमें फाइबर की मात्रा बहुत ही कम रह जाती है और वो एक रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। वो ऑलमोस्ट शुगर की ही तरह अनहेल्दी है और उसे हेल्दी फूड नहीं कहा जा सकता और अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों साथ में फूड में वेराइटी लाए वो भी बहुत जरूरी है। मेडिकल में हम लोग कहते हैं कि फूड में जितनी वेराइटी ज्यादा है उतना अच्छा है, कॉम्प्लेक्स फूड खाए उतना अच्छा है। अगर आपके फूड में सिंपल दाल चावल खा रहे हैं तो यह अच्छी बात नहीं है। इसके साथ भाजी, ग्रीन वेजिटेबल्स, हर प्रकार के फ्रूट्स लेना बहुत ही जरूरी है। नॉन वेजिटेरियन फूड की बात करें, मीट की बात करें, तो रेड मीट जितना कम खाए उतना अच्छा है। रेड मीट महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार ले सकते हो। फिश की बात करें तो छोटी फिश ज्यादा अच्छी है, लार्ज फिश जिसमें फैट ज्यादा होती है दैट शुड बी अवॉइडेड। चिकन इज समथिंग जिसे आप हफ्ते में एक या दो बार खा सकते हो, लेकिन वो फ्राइड नहीं होना चाहिए। एग्स की बात करें तो हफ्ते में 4 या 5 एग्स खा सकते हो, दैट इज फाइन। लेकिन अगर ज्यादा ले रहे हो तो दैट इज नॉट रिकमेंडेड। एग्स में भी येलो पोर्शन में फैट ज्यादा होती है तो उसको कम करना चाहिए, और व्हाइट पोर्शन में प्रोटीन ज्यादा होता है तो यू कैन टेक इन गुड क्वांटिटी। ब्लॉकेज या हार्ट अटैक के चांसेस कम करने के लिए आपको रेगुलर 15 से 30 मिनट की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, और इसके साथ में स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मेडिटेशन या योगा भी जरूरी है। एडिशनली कम से कम 7 से 8 घंटे की साउंड स्लीप इज इक्वली इंपॉर्टेंट। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी जेनेटिक फैक्टर ऐसा है कि उसके कारण कुछ बार बहुत ही यंग लोगों में भी हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन दैट इज नॉन मॉडिफाइबल, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमें जो जीन्स मिले हैं तो उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन जो हमारे हाथ में है दैट इज डाइट एंड एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, उसको बदल के हम हार्ट अटैक के चांसेस कम कर सकते हैं। दोस्तों आई होप दिस इंफॉर्मेशन वुड हैव हेल्प इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइट एंड वुड हैव हेल्प इन क्लियरिंग योर डाउट्स। थैंक यू वेरी मच, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन राइट मी इन द कॉमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू गिव आंसर साइंटिफिकली। थैंक यू वेरी मच।